कीप एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। मुस्लिम कोटा खत्म करने के फैसले पर बीजेपी अटल बोले, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। भाजपा नेता तेजस्वी सूर्य के खिलाफ चुनाव आयोग ने दर्ज किया केस, धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में बस में लगी भीषण आग, 36 यात्री थे सवार। रांची स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से हेमंत सोरेन को लगा झटका, भूमि घोटाला मामले में जमानत देने से किया इंकार। पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर के अंदर गिरी ममता बनर्जी, लगी चोट। थोड़े दिन और ठहरी है अमेठी रायबरेली की तस्वीर साफ हो जाएगी, बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। किसी व्यक्ति से नहीं चलती कांग्रेस, बोले खड़गे। लोगों की मांग की वजह से वायनाड गए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। गिरी के दावों पर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब। धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, सजा पर रोक से किया इंकार। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सुनाई गई सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को मिली जमानत। एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव रद्द होने पर दोपहर 12 बजे प्रदर्शन करेगी आप। कांग्रेस की केंद्रीय मीटिंग में बुलाए गए यूपी के पदाधिकारी, अमेठी और रायबरेली की सीट पर हो सकता है फैसला। नैनीताल जंगलों में लगी आग को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई बैठक। आज गुजरात में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले रॉबर्ट वाड्रा। नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग, धुएं से लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। मणिपुर के उग्रवादियों के हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद। ममता बनर्जी आज आसानसोल और कुलगी में 2 चुनावी रैलियों को करेगी संबोधित। कांग्रेस ईसी की बैठक आज रात 8:30 पर, अमेठी और रायबरेली पर होगी चर्चा। पीएम मोदी गोवा के वास्को शहर में आज जनसभा को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई तीव्रता। इतना ही, देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद। We'll be right back.